सही है। ये टॉय कार, ये एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, कोशिश करो करने के। ये टॉय कार है, मूव ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, ड्यू टू द फोर्स। अब एक हमारे पास कार है, समझने की कोशिश करना, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी डाउट में आता है। चलो, एक मैंने कार बना लिया ऐसे ही। ये कार यहाँ से स्टार्ट करती है अपनी जर्नी और यहाँ यू इज इक्वल टू जीरो पे स्टार्ट करती है। यहाँ बताया गया है हॉरिजेंटल मूव इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू सिक्स इन वन सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब अभी जो फील्ड है वो इधर की डायरेक्शन में है, और यहाँ जीरो से वेलोसिटी, जब कार यहाँ आया तो वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, जीरो से 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, टाइम लग गया 1 सेकेंड, ऐसा क्वेश्चन में बताया जा रहा है। क्लियर है? चलो, अब आगे क्या हुआ, जैसे ही 1 सेकेंड यहाँ तक आई व्हीकल, कार का उसके इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स। अब यार गाड़ी जा रही थी, समझना, गाड़ी जा रही थी तो अगर फील्ड रिवर्स कर दिए तो क्या वहीं पे रुक जाएगी क्या यार? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे थोड़ी रुकेगी। तो यहाँ से आगे जब फील्ड रिवर्स कर दोगे, ये एक्सलरेट कर रहा था, कितने एक्सलेशन से, चलो एक्सलेशन निकाल लेते हैं। एक्सलेशन क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक एक्सलेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी 6 - 0 अपन टाइम 1 सेकेंड, मतलब एक्सलेशन आ जाएगा वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, फील्ड नहीं बदला, फील्ड की मैग्नीट्यूड नहीं बदली, चार्ज नहीं बदला, तो एक्सलेशन ओवरऑल कॉन्स्टेंट रहेगा। डायरेक्शन बदलने से एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, एक्सलेशन की डायरेक्शन बदल जाएगी, रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ, इस क्वेश्चन को आप इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हो, ग्राफिकली भी कर सकते हो, क्योंकि एक्सलेशन कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ भी बना सकते हो। अभी मैं इक्वेशन से ही करता हूँ। जैसे ही मैं इस पॉइंट पर फील्ड को ऑफ, फील्ड की डायरेक्शन बदलूंगा, कार कुछ दूर तक और जाएगी, उसके बाद रुक जाएगी, कहीं पे आगे रुक गई है, हमको नहीं पता है ये कहाँ पे रुकी है, एक्स मीटर पे, और यहाँ से टाइम कितना लगा है, वो टी लगा, वो भी मुझे नहीं पता है। ये तो बात क्लियर है। चलो, ये कह रहा कार कंटिन्यू टू मूव 2 मोर सेकेंड। देखो, ये बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे फील्ड ऑफ हुआ है, यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन ऑफ नहीं हुआ, बदला हुआ है, तो यहाँ से इसके बाद 2 सेकेंड तक और चली है कार अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड, मतलब 1 सेकेंड इधर और 1 सेकेंड इधर। चलो, अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आप जीरो से एक्सलेट किए थे, जीरो से 6 मीटर पर सेकेंड तक गए थे और कुछ आगे गए, आगे जाके रुक गई, फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम है, फोर्स सेम है, तो दोबारा यहीं आ जाएगी यार, समझ रहे हो? तो हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। काइनेमेटिक्स और इलेक्ट्रोस्टेट के कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाए, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट किया जाए। चलो, तो अब इसको कैलकुलेशन करने का जो तरीका है, सबसे पहले तो ये टाइम निकाल लो, इसको प्रोबेबिलिटी, देखो इसको प्रोबेबिलिटी से भी कर सकते हो, एक मतलब टूल है, अभी इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले हमको नहीं पता कौन सा सही है, बट जो ऑप्शन ज़्यादा रिपीट करता है उसके सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं। देखो, 1 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, बराबर है, तो 1 के सही होने के चांस ज़्यादा है, तो ये उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी से तो ये सही नहीं हो सकता, मतलब एक जनरल रूल है कि जो ऑप्शन ज़्यादा रिपीट होता है उसके सही होने के चांस ज़्यादा हैं। अब 3 जो है, अब उसके अलावा 3 रिपीट हुआ है, तो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इस हिसाब से जो बी ऑप्शन है वो सही है प्रोबेबिलिटी वाले रूल से। वैसे ये 100% सही नहीं है, बट ऐसा होता है, ठीक है, कि जो ऑप्शन ज़्यादा रिपीट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी यार। चलो, एग्जैक्ट कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से हमें चला गया यार, तो ये टाइम कितना है, अब यहाँ वेलोसिटी 6 है और यहाँ जाके रुक गया, तो देख लेते हैं कितना टी हुआ, तो बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 6 था, माइनस रिटार्डेशन वही रहेगा, टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, बराबर है, रिटार्डेशन वही रहेगा भाई,
फील्ड की एक्सलेशन की मैग्नीट्यूड वही रहेगी, यहाँ से रिटार्डेशन इधर आने लगे तो ये 1 सेकेंड तक आगे और गया है। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स कितना हुआ नेक्स्ट 1 सेकेंड में जहाँ फील्ड ऑफ किया हो, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x और ये इनिशियल वेलोसिटी 6 टाइम 1 माइनस हाफ और एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड 6 टाइम 1 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 3 और यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 मीटर, मतलब 3 मीटर और गया है। यहाँ से 3 मीटर चला था 0 से, यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, हाफ एक्सलेशन 6 हो गया, टाइम 1 का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 3 मीटर। तो पहले 1 सेकेंड में 3 मीटर चला था, समझना, और दूसरे जो 1 सेकेंड में है उसमें भी 3 मीटर ही चला। अब क्या ये कार यहीं पर रुका रह जाएगा? नहीं, क्यों नहीं रुका रह जाएगा भाई, वेलोसिटी तो 0 हो गई है पर एक्सलेशन 0 नहीं है। ये कार यहां से आगे इधर बना देता हूं मैं, अब ये कार यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई पर इस पे फोर्स इधर लग रहा है, तो ये कार अब यहां से आगे आएगा इस रोड पे, मान लो यहां तक आएगा 1 सेकेंड में, क्योंकि यहां पर एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, तो 1 सेकेंड यहां पे इधर आएगा, बराबर है, और ये भी 3 मीटर होगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से जाने में 1 सेकेंड, इधर 1 सेकेंड जो निकाले, और मैग्नीट्यूड एक्सलेशन का सेम है तो दोबारा आएगा 1 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड, तो हो गया 3 सेकेंड। ये S1, S2, S3, तो S1 की जो वैल्यू है वो 3 मीटर है और जो S2 की वैल्यू है वो भी प्लस 3 मीटर है, लेकिन जो S3 की वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट तो -3 मीटर है। अब निकाल भी सकते हो, ऐसे मैं लॉजिकली निकाल दिया, S3 निकालना चाहते हो तो S3 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हाफ एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड वही रहेगा, टाइम 1 सेकेंड, तो यह आ जाएगा -3 मीटर, रिटार्डेशन हो गया, तो S3 3 मीटर, बराबर है, तो ये आ जाएगा। अब 3 सेकेंड में हम लोगों को यही 1, 2, 3 सेकेंड मोशन में हमें डिस्टेंस, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी यार, एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 3 सेकेंड दिया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 3 + 3 - 3 एंड डिवाइडेड बाई टाइम 3, तो 3 ने 3 को, मतलब ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 + 3 + 3 और डिवाइडेड बाई 3, मतलब 9 आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, दैट इज बी सही है, मतलब ये आ जाएगा बी ऑप्शन सही है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज कुछ नहीं है, काइनेमेटिक्स का